भारतीय नौसेना ने 3 नई स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। इन पनडुब्बियों में 60% तक स्वदेशी सामग्री शामिल की जाएगी। यह पहल न केवल भारत की पनडुब्बी क्षमताओं को बढ़ाएगी बल्कि घरेलू स्तर पर कुशल नौकरियां भी पैदा करेगी। नई पनडुब्बियों में 60% तक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा जो भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और रक्षा उद्योग में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करेगा। फ्रांसीसी नेवल ग्रुप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ साझेदारी करेगा। BEL फ्रांसीसी डिजाइन के आधार पर वॉर मैनेजमेंट सिस्टम का स्वदेशी रूप से निर्माण करेगा। इन पनडुब्बियों का निर्माण मजगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड यानी MDL द्वारा किया जाएगा। MDL और फ्रांसीसी नेवल ग्रुप के बीच सहयोग से यह परियोजना पूरी की जाएगी। इन पनडुब्बियों का वार मैनेजमेंट सिस्टम फ्रांसीसी आर्किटेक्चर के साथ BEL द्वारा भारत में ही विकसित किया जाएगा। यह समझौता पहले 6 स्कॉर्पिन पनडुब्बियों की डिलीवरी के बाद हुआ है जिनके इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। नेवल ग्रुप के कार्यकारी उपाध्यक्ष विंसेंट मार्टिन नॉट लेगार्ड ने कहा, यह परियोजना भारतीय नौसेना को अद्यतन स्कॉर्पिन डिजाइन में नवीनतम तकनीकों से लैस करेगी और 60% स्वदेशी सामग्री के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। यह परियोजना भारत की पनडुब्बी क्षमताओं को बढ़ाएगी और क्षेत्रीय रक्षा उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही यह घरेलू स्तर पर रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और उच्च कुशल नौकरियों के सृजन के लिए भी महत्वपूर्ण होगी।